हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फिर आपकी सक्सेस में। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी भूगोल से यानी कि पिछले 20 वर्षों में जो रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार जो सवाल पूछे जाते हैं, तो उसका मैं पार्ट 3 लेकर आया हूँ। अभी उसी को हम लोग देखेंगे। और इससे पहले फ्रेंड्स, मैं 2 पार्ट्स और अपलोड कर चुका हूँ, तो उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और ये सारे मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और रट लीजिएगा इन्हें। अगर आप अगर नहीं समझ पाते हो तो आंसर को आप याद कर लीजिएगा, जो कि ये सब सारे क्वेश्चन रेलवे 2018 के मतलब अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ग्रुप डी तथा असिस्टेंट लोको पायलट के, तो ये उन दोनों मतलब दोनों एग्ज़ाम के लिए सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ज्योग्राफी का। तो अभी इसका फिलहाल कुछ पार्ट्स और मैं लेकर आऊँगा, उसके बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नए क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी इसको देखते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर आपकी सक्सेस को, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं अभी डेली आपके लिए क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, तो चलिए और देखते हैं वीडियो अभी हम लोग। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, बताइए क्या नाम है? कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान, बताइए। पूर्वी तटीय मैदान, जैसे देखिए बात की जा रही है अगर ऐसे भारत की है नीचे यानी दक्षिण भारत की, तो ये साइड वाले जो मतलब मैदान है पूर्वी तटीय मैदान इसे बोला जाता है, ये पश्चिमी तटीय हो गया ये सब, तो इसे क्या बोला जाता है? तो फ्रेंड्स, इसे बोला जाता है कोरोमंडल तटीय मैदान, ठीक है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से बात करें इधर, तो इधर हो जाता है ये मालाबार तट, इधर से कुछ दूर तक फिर कोंकण तट हो जाता है, इधर कोरोमंडल तट अभी जैसा कि मैं बताया, और इधर है सो कुछ दूर फिर इधर उत्तरी सरकार बोला जाता है। तो आपको ये इन चारों को याद रखना है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे, जैसा कि अभी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये मतलब इससे संबंधित बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे है, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 4 घंटा 30 मिनट पीछे है, 4 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट पीछे है। तो भारत का जो मानक समय ग्रीनविच है, मतलब भारत का मानक समय तो ग्रीनविच से है सो कितना मतलब घंटा आगे है? तो फ्रेंड्स, वो घंटा आगे है 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। यानी कि अगर वहाँ पे रात के 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे 5.5 बज रहे होंगे इंडिया में। तो और ये जो भारत का मानक समय है वो मतलब कि कितना पूर्वी देशांतर से गुजरता है, तो मैं लिख देता हूँ 82.5 है, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, मतलब कि कहाँ से गुजरा है, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर है शहर है, वहीं से है सो ये गुजरा है हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो ये भारत का मानक समय गुजरा है, ठीक है। तो आपको इनको भी मतलब इसको भी याद रखना है। तो चलिए अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है? कैमोरिन बोला जाता है, कन्याकुमारी बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, रामेश्वरम बोला जाता है। तो भारत का जो दक्षिण छोर है सबसे उसे बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। बहुत लोग कन्याकुमारी लगा सकते हैं आंसर, बट देखिए कन्याकुमारी कब रहेगा? जब बोला जाएगा कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कौन सा है तब कन्याकुमारी होगा, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं बोला गया है। तो आपको आंसर जो आप करेंगे वो दक्षिण इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो ये बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो चलिए अभी हम लोग और चीज़, इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो सबसे भारत का मतलब कि पूर्वी बिंदु है अगर बात करूँ इधर का, तो वो है किबीथू। आपको मतलब नहीं लिख रहा हूँ, आप सुन लेंगे और उसके बाद लिख लेंगे, ठीक है। किबीथू अरुणाचल प्रदेश में है, और अगर पश्चिमी बात करें इधर का तो है सर क्रीक, जो कि गुजरात में है, और अगर इधर उत्तरी का बात करें सबसे उत्तर में तो वो है इंदिरा कॉल, तो आपको याद रखना है। और जो सबसे दक्षिणी में बताया तो कौन सा भी था? इंदिरा पॉइंट। और अगर मुख्य भूमि का अगर बात करें तो हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। तो इन चारों चीज़ों को मतलब चारों दिशाओं में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि नमक नदी के नाम से भी प्रसिद्ध लूनी नदी किस राज्य में समाप्त हो जाती है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो नमक नदी के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा नदी? तो लूनी नदी, ठीक है। तो ये किस राज्य में समाप्त हो जाती है? तो ये समाप्त हो जाती है गुजरात में, जो कच्छ के रण है वहाँ पे ये जाके विलुप्त हो जाती है, उसी में समा जाती है ये नदी। और यह जो नदी है ये एक मतलब कि अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही नदी का मतलब मैं बता दूं कि जो जैसे जो नदी मतलब अंदर ही मतलब देश के अंदर ही
किसी पहाड़ या पर्वत से निकला और फिर है सो देश के भीतर ही किसी सागर या महासागर या फिर कोई भी जलाशय में जाके विलुप्त, उसी में मतलब कि समा गया यानी कि गिर गया, या तो फिर तो उसे बोला जाता है अंतर्वाही नदी। ठीक है, और ये लूनी एकमात्र भारत का ऐसा नदी है जो कि अंतर्वाही नदी है। तो और ये कहाँ पे कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है, वहीं पे समाप्त हो जाती है। और ये कहाँ पे है तो मतलब कि कहाँ पे समाप्त होती है, तो गुजरात में इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन ये है कि राजपीपल और महादेव की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? सतपुड़ा पर्वत के, विंध्य पर्वत के, अरावली के, पश्चिमी घाट के? तो ये जो राजपीपल और महादेव की पहाड़ियाँ हैं ये हैं सतपुड़ा पर्वत के हैं, सो भाग हैं, मतलब कि इसी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये आते हैं, तो आपको ये याद रख लेना है सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन ये है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बिहार में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में? तो बताइए ये जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते रहता है ये, तो ये कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था तो हुआ था 1974 ईस्वी में, तो ये भी आप याद रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस बंदरगाह को नहावा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि नहावा सेवा बंदरगाह है भी कहाँ, कहाँ पे है ये, और इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। तो ये है नहाव सेवा बंदरगाह जो है, ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का, मतलब कि इसका एक अन्य नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यह है सो मुंबई के मतलब दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा गरान वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, हरियाणा में? तो इसमें देखिए गरान वन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इंग्लिश अगर आप देखते हो उसमें तो फिर तो पता चल जाएगा अगर जिनको पता होगा तो। लेकिन देखिए गरान वन होता है जिसे मैंग्रोव वन बोला जाता है, तो कहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे सुंदरवन का जो डेल्टा है उसमें सो मैंग्रोव वन पूरे दुनिया का मतलब कि सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पाया जाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है ज्वार, दिन रात, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण? बताइए तो पृथ्वी के घूर्णन से ही जो दिन रात होता है तो इसी के वजह से होता है, पृथ्वी के घूर्णन के वजह से। और अगर बात करें कि सूर्य का अगर चारों ओर परिक्रमा करता है पृथ्वी, तो इस वजह से है सो क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। तो यानी कि परिक्रमण से जो है क्या होता है, मौसम में परिवर्तन, और घूर्णन के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसके कारण सो दिन रात होता है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10वां ये है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर पाए जाते हैं? बताइए गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर कांटेदार वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय वन? तो बताइए तो गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है, सॉरी मुहाना है, जहाँ पे अभी मैं बताया सुंदरवन का डेल्टा भी पाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा है, तो वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जिसे हिंदी में गरान वन भी बोला जाता है, तो आपको ये भी याद रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? धूमकेतु को, उल्का को, क्लार्क को, अभिनव तारा को? तो जो विस्फोटी तारा है वो बोला जाता है अभिनव तारा को, जिसे सुपरनोवा भी बोला जाता है। चलिए ये क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? बताइए 71%, 61%, 75%, 54%? तो जो सूर्य के रासायनिक मिश्रण है जिसमें कि हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो 71% है, सबसे अधिक है सो हाइड्रोजन से ही बना है ये मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य? तो इनमें से चंद्रमा तो आपको पता है कि पृथ्वी का एक मतलब उपग्रह है जिसे मून भी बोला जाता है, तो ये मून है। ओके, शुक्र जो है एक मतलब प्लैनेट है, ग्रह है, पृथ्वी भी तो ग्रह है जिसपे अभी हम लोग रहते हैं, और ये जो सूर्य है तो इसका आंसर सूर्य होगा, सूर्य है सो एक तारा है। ओके, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, सेम क्वेश्चन है इसके लिए, सॉरी हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? बताइए 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस? तो सौर पृष्ठ पर जो है सो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही अधिक। अगला क्वेश्चन,
रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं। क्यों? उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, अल्प वायु वेग के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण। तो रेगिस्तानों में जो है मतलब कि डेजर्ट में बादल नहीं बरसते हैं, इसके पीछे जो रीजन है वो है निम्न आर्द्रता के कारण है, सो वहाँ पे बादल नहीं बरसते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोल्ड्रम क्या है? व्यापारिक हवाएं, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र, बहुत अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र, शांत समुद्र वाला क्षेत्र। तो जो डोल्ड्रम है वो है भूमध्य रेखा इक्वेटर के आसपास वाला जो मतलब कि लो प्रेशर का क्षेत्र है, अल्प दाब का क्षेत्र है, दोनों तरफ यानी कि ये साइड भी और ये साइड भी पूरा, इसे डोल्ड्रम बोला जाता है। तो ये है सो मतलब अल्प दाब का क्षेत्र है, तो इसे याद रखना आपको। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, बुलर झील। तो विश्व की, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर है। और जो अगर बात की जाए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वो है मीठे पानी या साफ पानी की झील, तो वो है सुपीरियर झील, जो कहाँ पे है, यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है, बॉर्डर पे स्थित है। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व की, देखिए क्वेश्चन अभी जैसा कि मैं बता दिया था वही क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन सारे हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील, बैकाल झील, मिशिगन। तो अभी मैं बता दिया कि वो है कौन सा, सुपीरियर झील है, लेक सुपीरियर, ये सो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और यहाँ पे देखेंगे ये बैकाल जो है ये है सो विश्व की सबसे बड़ी गहरे पानी की झील है, ठीक है, सबसे गहरा है बैकाल झील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हवाई जहाज़ प्रायः में उड़ते हैं, कहाँ पर उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, बाह्य मंडल में। तो जो एरोप्लेन होते हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं, वो उड़ते हैं समताप मंडल में, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है। और जितने भी मौसमी मतलब मौसम में चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, कुछ भी बारिश होती है, बादल होते हैं, ये सब सारे मतलब चेंजेज कहाँ पे होते हैं, सारे कुछ है, ये सब सारी कुछ होती हैं क्षोभ मंडल में। ओके अगला क्वेश्चन ये है कि सूर्य का प्रकाश धरती पर लगभग कितने मिनट में पहुँचता है? 8 मिनट में, 7 मिनट में, 9 मिनट में, 10 मिनट में। तो जो सूर्य का प्रकाश है, लाइट है, वो पृथ्वी पर पहुंचने में लगाता है 8 मिनट 16 सेकेंड, ठीक है, 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड, बट मेरा यहाँ पे ये पूछ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, तो 8 मिनट मेरा यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर, 14,700 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर, 10,756 किलोमीटर। तो बताइए पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है, यानी कि बात किया जा रहा है, जैसे अगर मान के चलिए पृथ्वी ऐसे है, थोड़ा सा चपटा है, बस ये ऐसे छाप दिया मैं, तो इधर का जो व्यास है मतलब ऐसे, तो वो कितना है? तो है फ्रेंड्स 12,756 किलोमीटर, और अगर बात किया जाए ध्रुवीय व्यास यानी कि इधर से ऐसे, तो वो है 12,714 किलोमीटर। ओके 12,714 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास है इधर से, और अगर बात किया जाए विषुवतीय व्यास ऐसे, तो 12,756 है, यानी कि 42-47 किलोमीटर है। सो मतलब कि एक दूसरे का मतलब अंतर है थोड़ा सा 42 किलोमीटर का। अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो जो पृथ्वी है यानी कि अर्थ, वो अपने अक्ष पर है सो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? मिसिसिपी, अमेजन, नील, डेन्यूब। बताइए तो विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है वो है अमेजन, जो कि ब्राज़ील में बहती है। ओके और यहाँ पे जैसे नील नदी है, ये विश्व का सबसे लंबा नदी है जो अफ्रीका में बहती है। ये है क्वेश्चन कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? यांगस्यांग को, ह्वांगो को, अमूर को, शालविन को। तो चीन का शोक बोला जाता है ह्वांगो नदी को। ओके जिस तरह भारत में जैसे बिहार में बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है, बंगाल का शोक दामोदर को बोला जाता है, उसी तरह चीन का शोक है सो बोला जाता है ह्वांगो को। ये मतलब कि बहुत अधिक अपने साथ बाढ़ लाती है, इस वजह से इसे मतलब बहुत ही ये विनाश तबाही मचाती है ये नदी। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में, छोटा अंडमान में। बताइए पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में, यानी कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कैपिटल भी है, तो ये कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो ये था टोटल 25 क्वेश्चन। अब इसका मैं एक कुछ मतलब कुछ और पार्ट लेकर आऊँगा आपके लिए, ताकि जितने भी भूगोल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो वो कवर हो जाए, क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं पता थे उसे आप मतलब कि याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, और अब भी आप लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, कुछ भी अगर इस वीडियो से सीख पाए हो। और हाँ, एक चीज़ और कि इस वीडियो का PDF लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए, और जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपको तुरंत मिल जाए मेरे वीडियो को, मतलब वीडियो अपलोड करते ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फिलहाल अभी के लिए।